आज की वीडियो में एक बहुत ही मजेदार ट्राइपॉड बना रहा हूँ और इसके पहले मैं चार ट्राइपॉड बना चुका हूँ, तो मैं उन चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ इस वाले ट्राइपॉड के बारे में। तो दोस्तों जो ये वाला ट्राइपॉड है इसकी तारीफ मैं अपने मुझसे नहीं करूंगा, इसकी तारीफ आप खुद करेंगे, लेकिन बस आपको उसके लिए फुल वीडियो देखनी होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो ट्राइपॉड है पिछले चारों ट्राइपॉड से मिल के बनाया, मतलब कि उन्हीं चारों से इंस्पायर होकर मैंने ये एक ट्राइपॉड बनाया। और जिन भी लोगों ने मेरे चारों में से किसी एक की भी वीडियो देखी होगी तो उन्हें पता है कि मेरी हर एक ट्राइपॉड एक से बढ़कर एक है। तो मैं लास्ट में बस इसके लिए नहीं कह सकता हूँ कि एकदम टॉप क्लास का है। बाकी की चीजें आपको फुल वीडियो में खुद ही पता चल जाएंगी कि मैं जितना कह रहा हूँ ये उतना है भी या नहीं या उससे भी ज्यादा तगड़ा है। तो जानने के लिए चलिए सिंपली इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटर बॉयज। ये एक इलेक्ट्रिकल पीवीसी पाइप है जिसका डायमीटर 1 इंच है और ये मैंने साइकिल के 4 तीलियों का इस्तेमाल किया है। अब इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब इस कटे हुए तीलियों को हमें उस पाइप के एक एंड पे फिक्स करना है कुछ इस तरीके से। 1 by 1 इसे आप एकदम आसानी से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक इस तरीके की फाइल का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो इसके जगह पे कार्डबोर्ड या किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही फाइल आप लें। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसे मोड़ दिया है और जो इसकी लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए फेविक्विक से इसको इस तरीके से चिपका लेंगे चारों को। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके की टेप का इस्तेमाल किया जो कि हम जमीन पे इस तरीके से चिपका लेंगे जिससे कि जो सीमेंट है हमारा वो जमीन पे ना चिपके। तो हम इस तरीके से देखिए सीमेंट बालू और छोटी वाली गिट्टी का यहाँ पे मैंने मिक्सचर लिया है, उसको हम पहले एक लेयर इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद देखिए जो हमने बनाया था उसको बीच में रखेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक लेयर और उसके ऊपर से हम इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। और मैं इस तरीके की हैवी वेस्ट का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मुझे अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती है। और अगर हम बात करें अपने स्क्वायर शेप के बारे में तो इससे भी हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है जिससे कि हम अपने फोटोज़ और वीडियोस को कुछ और एंगल से रिकॉर्ड और शूट कर सकते हैं। बस ऐसा ही छोटा मोटा ज्ञान आपको और भी मिलता रहेगा तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अरे यार हमें पता है कि आपके पास भी अच्छा खासा ज्ञान है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वीडियो को स्किप करके देखेंगे। कुछ मेरी भी तो सुनो यार। अच्छा नहीं करेंगे फिर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है और इसका आप शेप भी देख सकते हैं कितना कमाल का है। अब मैं इसके ऊपर पेंट करूंगा, अगर आपका मन नहीं है तो आप ना भी कर सकते हैं, मुझे तो बस दिखाना इसलिए मैं पेंट कर दूंगा, नहीं तो ऑनेस्टली मैं भी नहीं करता। तो चलिए अब इसके आगे की चीजें करते हैं। ये देखिए एक 0.75 इंच डायमीटर का इलेक्ट्रिकल पीवीसी पाइप और ये 1 इंच डायमीटर का पाइप है। इसके एक एंड पे मैंने देखिए इस तरीके से कट किया है और यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पतली वाली पाइप है इसे मैंने क्या किया, कुकिंग गैस पे हीट करके इस तरीके से दो फ्लैट सर्फेस के बीच में प्रेस करके थोड़ा देर तक होल्ड किया जिससे कि ये फ्लैट हो गया है। और सेम प्रोसीजर हम आगे भी अप्लाई करेंगे जैसा कि देखिए ये, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज ये है कि जो मैंने कट किया है ना उसके बीच में आपको किसी चीज़ को पुट करके उसके बाद फ्लैट करना है कुछ इस तरीके से। देखिए किसी चीज़ को आप पुट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, फ्लैट सरफेस के बीच में इस तरीके से प्रेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट शेप चाहिए था तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया। तो ये देखिए जैसा शेप हमें चाहिए था वैसा शेप हमें मिल चुका है, लेकिन जो भी हल्का फुल्का एक्स्ट्रा निकला है ना उसे क्या करेंगे हम कट करके स्मूथ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, आप अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए मैंने इसके दूसरे वाले एंड को फ्लैट किया जैसा कि मैंने पतले वाले पाइप को किया था एकदम उसी तरीके से। ये एक और 1 इंच डायमीटर वाला पाइप, इसे हमें क्या करना है देखिए एक साइड इस तरीके से कट करके फ्लैट करना और दूसरे साइड नॉर्मली बस फ्लैट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड इसे कट करके फ्लैट कर लिया, जो दूसरा साइड है ना उसे मैंने बस नॉर्मली फ्लैट किया, लेकिन आपको उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकियों में मैंने क्या किया बीच में से फ्लैट किया, लेकिन इसमें मैंने देखिए एक साइड से फ्लैट किया, तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है, इसे एक साइड से फ्लैट करें। अब देखिए हमें कुछ होल्स करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन दोनों के बीच में हमें होल करना है ना पहले उसको क्या करेंगे आपस में अटैच करेंगे, उसके बाद एकदम उसके बीच में होल करेंगे जिससे कि जो हमारा होल एकदम परफेक्ट बनेगा। तो एक होल उसमें, एक होल एकदम इसके बीच में कुछ यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों देखिए एक होल हमें क्या करना है इसके बीच में यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इनमें एकदम परफेक्ट होल कर लिया है। अब चलिए इसका मोबाइल माउंट बनाते हैं, उसके लिए मैंने ऐसी पाइप का इस्तेमाल किया और यहाँ पे देखिए मैंने इसे बीच में से कट कर दिया है इस तरीके से। और ये जो पाइप है ना नलों में यूज़ होती है, इसका डायमीटर 1 इंच है और यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अब हम इसे कुकिंग गैस पे एकदम अच्छी तरीके से हीट करके फ्लैट बनाएंगे कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छी तरीके से फ्लैट हो चुका है। अब हम इसमें से एक बड़ा सा पीस कट करके निकालेंगे जैसा कि मैंने देखिए आपको यहाँ पे डायमेंशन दिया है एकदम उसी तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और देखिए मैंने 3 सेंटीमीटर इधर 3 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे 90 डिग्री से हीट करके फिर से फ्लैट करेंगे कुछ इस तरीके से।
और अगर आप में से किसी को भी ये जानना है कि आखिर हिट करके फ्लैट करते कैसे, तो जस्ट मैंने जो इसके पहले वाली वीडियो अपलोड किया ओवर ए ट्राइपॉड उस पर विजिट करके आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि इसे करते कैसे हैं। मैंने एकदम अच्छी तरीके से उसमें इसे दिखाया है करते हुए। ये देखिए, इसमें चार होल कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक और छोटा सा टुकड़ा कट किया कुछ इस डायमेंशन का, और इसमें भी मैं एकदम सेम होल करूँगा जैसा कि मैंने पहले किया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक और सेम टुकड़ा कट करके देखिए इसके पीछे चिपका दिया है, एकदम सेम टुकड़ा, एकदम सेम साइज़ का। अब हम इसको इसके जगह पे फिक्स कर देंगे जिसके लिए ये बना हुआ है, वो भी दो छोटे साइकिल के तीलियों की मदद से। और यहाँ पे एक बात आपको एकदम अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच का होल जो है एकदम बराबर रहे और एकदम सीधा रहे, तभी एकदम अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, नहीं तो अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे और यहाँ पे गड्ढे के शेप में क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। और बनाने के लिए मैंने बस सैंड पेपर का ही यूज़ किया है, देखिए कुछ इस तरीके का हम बना लेंगे छोटा छोटा। इसे अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद देखिए एक होल हम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद देखिए एक और होल इसके एकदम बीचों बीच यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों होल कर लिया है। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा है और जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने भाई की मेहनत को देखकर आपने स्किप नहीं किया होगा, तो आप लोगों ने बहुत ढेर सारा ज्ञान बटोर लिया है। और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि ये जो आपका भाई है ना, आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी मेहनत करता है, बहुत ढेर सारी, आप लोग को खुद ही पता है इसके बारे में। और दोस्तों, अपने हिस्से का लाइक तो करके ही जाइएगा, अगर नहीं किया ना तो याद रखना पाप लगेगा आप लोगों को, पाप। अपने भाई की मेहनत दिख ही नहीं रही आप लोगों को, तब जोक्स अपार्ट दोस्तों, लेकिन लाइक करके ही जाइएगा, क्या पता सच में पाप लग जाए तो। और इन सभी बातों के बीच में आपने हमारा मोबाइल माउंट तो देखा ही होगा, ये कितना 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 ज़्यादा बढ़िया है, मतलब कि ये फ़ोन को गिरने तो छोड़िए, हिलने भी नहीं दे रहा है। और मैंने इसे ज़्यादा टाइट भी नहीं किया, बहुत ही नॉर्मली टाइट किया, फिर भी देखिए कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। और दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज़ें क्या हैं कि मेरी इमेजिनेशन से भी अच्छी बन जाती है, मतलब जिसका आउटकम आता है ना बड़ा ही तगड़ा आता है, रिजल्ट आपके सामने। आप इस माउंट को ही देखिए ना, ये फ़ोन को तो गिरने ही नहीं देगा, और नॉर्मली गिरने पे अपने भी नहीं टूटेगा और ना ही जल्दी ख़राब होगा, मतलब कि आउटकम काफ़ी तगड़ा है। और यहाँ पे देखिए हमारे सभी पार्ट तैयार हो चुके हैं, तब हम क्या करेंगे, इन्हें सैंड पेपर से हल्का हल्का साफ करके पेंट करेंगे। तो चलिए अब इन्हें हम पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पेंट कर लिया, अपने हिसाब से मुझे जितना ज़रूरत था मैंने उस हिसाब से पेंट कर लिया है। अगर आप ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मुझे ना दिखाना होता तो शायद मैं भी पेंट ना करता, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं भी ना करता। तो चलिए अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं, और इसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ बस वैसे ही आपको करते चले जाना है। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको एकदम क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आज तक मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई वो सभी मेरी इमेजिनेशन पर बेस्ड रहती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उनमें जो भी डायमेंशन, मेजरमेंट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ जो भी इस्तेमाल करता हूँ मैं अपने हिसाब से करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से आप मेजरमेंट मैनेज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप मेरा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, एकदम एज इट इज़ बनेगा। आप एक बार बनाना शुरू तो करिए, मैं तो हूँ ही। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मेरे बस इसी वीडियो नहीं, मेरे आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होता है आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, आप सभी के सवालों का जवाब देता हूँ। या तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक अपने चैनल के अबाउट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रखा है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी असेंबलिंग लगभग पूरी हो चुकी है, और आप खुद ही देख सकते हैं कि सभी पार्ट्स एकदम अच्छे से अपनी जगह पे फिट हो गए हैं, और असेंबल होने के बाद तो सब और भी कमाल के लग रहे हैं। असेंबलिंग के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल से ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और इसको देखिए मैंने इस तरीके से पेंट कर लिया था, और इसको ऊपर वाले हिस्से में देखिए मैंने इस तरीके से कुछ वर्टिकल कट्स किए हैं जिसमें कि मैं इसको लगाऊंगा, और उसके बाद बाकी का ट्राइपॉड इसके अंदर जाएगा। ये देखिए, नीचे टेप लगाने का फायदा ये है कि एक बार टाइट होने के बाद ये बाहर नहीं आएगा। और दोस्तों, इस ट्राइपॉड में एक और खास बात ये है कि आपको इनके पार्ट्स को बस एक बार टाइट करना है, आपको बार बार टाइट या लूज नहीं करना, आप इसे बस एक बार टाइट करिए और बार बार इस्तेमाल करिए। ये देखिए, जैसे मैंने पहले लगाया था सेम उसी तरीके से मैं फिर से अपना मोबाइल फोन इसमें लगा दूंगा। और इस माउंट के तो क्या ही कहने, यहाँ पे आप खुद ही देखें, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, वो भी बहुत ही आसानी से। अब आपसे भी बिना देखे रहा नहीं जा रहा होगा ना, क्या करें, तड़प ही ऐसी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस तरीके से और किस किस एंगल पे वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर शेप से हमें क्या है कि अपने फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए कुछ और एंगल्स मिलेंगे, तो जो एंगल मैंने अभी तक आपको दिखाया ट्राइपॉड में या जो आप अभी देख रहे हैं, वो बस स्क्वायर शेप की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। अगर वो सर्कुलर शेप रहता तो पॉसिबल ना हो पाता, इस बात को आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
और दोस्तों इस ट्राइपॉड में इतने ढेर सारे एंगल और पोजीशन मिलेंगे ना कि आप क्लिक करते रहिए अपने फोटोज, रिकॉर्ड करते रहिए अपने वीडियो, चाहे वो ग्राउंड के कुछ सेंटीमीटर पास तक हो या 5 से 5.5 फीट हाइट पे हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो या 360 डिग्री, किसी भी डायरेक्शन में इसे घुमाइए बहुत ही आसानी से, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल। तो लास्ट में कुछ बातें और कि हो सकता है बाद में मेरे कुछ दोस्तों के मन में डाउट आए कि इस मोबाइल फोन माउंट से मोबाइल फोन गिर जाएगा, लेकिन दोस्त इसमें से मोबाइल फोन नहीं गिरने वाला, ये एक्सपेरिमेंटर बॉयज का चैलेंज अगर आप मेरे तरीके से बनाते हो तब। और दोस्तों एकदम लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल से ना भूले, ताकि आप हमारे चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।